रात का समय था, हॉस्टल के बाहर बारिश हो रही थी। मेरी कॉल्स 1 से 2 नंबर के रूम में लगी थी या मेन क्लास में सो रहा था। तभी मेरे हाथ में एक इमेज बनता है, देखता हूँ ये दूसरी क्लास है सेकेंड ईयर की। तुम कौन हो भाई? 9 साल बाद मैं एक बड़ा बिस्तर में सो रह रहा हूँ। यूएल, क्या आपको अच्छी नींद आई? उसे देर हो गई है करवटे बदलना, आप 5 मिनट और हुआ। जल्दी से अपने दांत ब्रश करो और नाश्ते के लिए आओ। बहुत खूब, मेरा जन्म एक बीटा के रूप में हुआ था जो 70% से अधिक मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मैं एक मित्र के घर पर रहता हूँ। न केवल मेरे लक्षण बल्कि मेरी शक्ल, व्यक्तित्व और ऊंचाई सभी मेरे लिए सामान्य है। हूँ कब से दुर्भाग्य पीछा करने लगा। बक मुझे किस चीज ने काटा था? भोजन के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे बचाया वह इस घर का मालिक था, मेरा एकमात्र मित्र चाहवान। हवान एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का उत्तराधिकारी है जो शौक के तौर पर एक कैफे चलाता है। इसे भी खाओ, एक अल्फा जो मुझसे अलग है। यूएल, आपको दवा भी लेनी चाहिए इसके अलावा। मेरा दिल बचपन से ही कमजोर रहा है, इस दुर्भाग्य को भी हवान ने गले लगा लिया तो मैं जाऊंगा। हवान, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बी सेफ। फिर से बुखार, आजकल मैं अक्सर ऐसा क्यों हो जाता हूँ? भले ही मैं अपनी दवा अच्छे से लेता हूँ, बुखार नहीं उतरता है। मेरा पूरा शरीर गर्म है अंतर्गत। मिस्टर यूएल, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ वॉशरूम का उपयोग करूँगा। चिंतित प्रहार पहले जैसा ही उस मर्म की तुलना करें। सॉफ्टेंस के पास टोवेनी आज मिस्टेन के लिए लड़का है। डिप्स रियल एस्टेट, वह दिन जब दुर्भाग्य मेरे पास आया जिसे मैं संभाल नहीं सका। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? यूएल, आज तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम बारिश में आए हो? यदि किसी कमजोर को सर्दी लग जाए तो क्या होगा? यह सब गीला है, आपको जल्द ही अपने कपड़े बदलने की जरूरत है। क्या मुझे आपको स्नान करने में मदद करनी चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है। क्यों सिर्फ मेरे लिए? क्यों सिर्फ मेरे लिए? क्या ये दुर्भाग्य आएगा? कंपनी से निकाले जाने के बाद ओमेगा को नौकरी नहीं मिलती। यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल बीटा ही जा सकते थे। ओमेगा के प्रकट होने के बाद देश से कंपनी को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा गया। तुम कंपनी से जल्दी आ गए हो। नहीं, मैंने कंपनी छोड़ दी। क्यों? कंपनी में क्या हुआ? हाँ, काम मेरे लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्यों न तुम मेरे कैफे में कुछ समय के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर लो? हकीकत में क्या यह ठीक रहेगा? बेशक, वास्तव में मेरे पिता की कंपनी के प्रबंधन के उत्तराधिकार के कारण मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कैफे को और संभाल सकता हूँ। मैं बस एक मैनेजर की तलाश कर रहा था। अच्छा, कर लो, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है। यह हवा कैसी है? मैं कब से जुड़ सकता हूँ? तुम कल से जुड़ सकते हो। क्या तुम ठीक हो? मुझे जल्दी है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सबसे पहले हम बीन्स को कॉफी ग्राइंडर से पीसने जा रहे हैं। आप पिसी हुई बीन्स को इस टैंपर से दबा सकते हैं। आओ, इसे आजमाओ। यह आसान नहीं है। जल्दी मत करो, यह जोर से दबाओ। यह हो गया। क्यों? तुम यह क्यों कर रहे हो? मुझे अजीब लग रहा है, यह पागलपन है यूहिल। मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार है। क्या तुम फिर से बीमार हो? ओ नहीं, यह ठीक नहीं है। झूठ बोलना नहीं, आओ, दूर रहो, माफ करना। जैसे तुमने कहा, मुझे थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। पहले घर जाओ। घर की हवा क्या इतनी भारी थी? घुटन महसूस हो रही है, मेरा शरीर झुनझुना रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ? नीचे गीला है, यहाँ खुजली हो रही है, पहुँच नहीं पा रहा हूँ। क्या ओमेगा ऐसा ही होता है? कुछ गुम है। काश कोई मुझे प्यार करता।
प्रमुख ओमेगास अल्फास के फेरोमोन से सामान्य ओमेगास की तुलना में अधिक आसानी से प्रभावित होते हैं। हालांकि प्रजनन दर कम है, अगर आप एस्ट्रस के दौरान एक अत्यंत प्रबल अल्फा के साथ संबंध बनाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? क्या ओमेगास घृणास्पद नहीं होते? कल वह गर्मी में था और सड़क पर ही कर दिया। अल्फा के बिना कुछ भी नहीं कर पाने के विषय में प्रमुख अल्फाज में विशेषज्ञता वाले ओमेगा वे दुनिया में सबसे दयनीय लोग होने का नाटक करते हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, क्या तुमने अपनी दवा ली? बिल्कुल युहिल। हाँ, मैं आज से अपने गृह नगर से काम करने जा रहा हूँ। अपने खाने और दवाओं का ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आता। आह्वान का हार, मैंने इसे पहले नहीं देखा, लेकिन यह लंबा और सुंदर है। अगर यह हवान की उंगली है तो मैं उस जगह तक पहुंच सकता हूं जहां कल मैं नहीं पहुंच पाया था। मैं क्या सोच रहा हूं? मैं बस वैसे ही हूं जैसे लोग कहते हैं, केवल प्रवृत्ति से चलते हैं जैसे एक जानवर। क्या मैं एक निम्न स्तर का प्राणी हूं? है ना युहिल? हाँ, चिंता मत करो, तुम मेरे बिना भी ठीक रहोगे। हरी बत्ती सिग्नल बदल गया है, सामने देखो। नहीं, यह गलत है। क्या होगा अगर हवान आह मुझे नापसंद करता है? मैं घर पर हूँ कम से कम। मुझे खुशी है कि हवान घर चला गया, मैं थोड़ी देर के लिए निश्चिंत रह सकता हूँ। यह घर कितना बड़ा है, ताजगी और मिठास। फेरोमोन की खुशबू, मैं लगातार इस तरह का फेरोमोन छोड़ रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चला। यह एक अजीब एहसास है, यह थोड़ा गर्म है, मुझे सावधान रहना होगा। अल्फा फेरोमोन के संपर्क में आना खतरनाक है। लेकिन यह खतरनाक क्यों है? यह अजीब है, मेरा पेट गर्म हो रहा है और गुदगुदी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जल रहा है। रुक जाओ, मुझे यह छोड़ना होगा। अगर मैं ऐसा करता रहा तो भगवान मुझसे नफरत करेगा। कृपया। इस बीच हवान अंदर आ गए और उन्होंने पूछा, तुम कब अंदर आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या अभी? तुम्हारे फेरोमोन बहुत गाढ़े हैं, यह तुम्हारी इच्छाओं का चक्र है, क्योंकि इससे मेरा दिल दुखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, लेकिन तुम इस तरह से टपक रहे हो, तुम्हारा नहीं कहने का क्या मतलब है? चलो अब बिस्तर पर चलते हैं। हवान के फेरोमोन बहुत गाढ़े हैं, मेरा सिर खाली है, मैं और कुछ नहीं सोच सकता। क्या करूं? यह मेरी पहली किस है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। और चाहिए, मुझे और चाहिए, और वहां से अच्छी खुशबू आ रही है। युहिल, मुझे लगता है मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि प्यार कैसे किया जाता है। तुम इसमें बहुत बुरे हो, लेकिन मेरा जबड़ा दुख रहा है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। हवान, युहिल उसका नाम बार बार बोल रहा है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। हवान ने युहिल के शरीर पर यहाँ वहाँ अपने हाथ चलाना शुरू कर दिया और पूछा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? युहिल ने कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वान की लंबी उंगलियां युहिल के शरीर के सबसे गुप्त हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। हवान और युहिल ने उस रात का आनंद लिया और हवान ने युहिल को पूरा प्यार दिया। युहिल चिंतित था क्योंकि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि रिश्ता कैसे काम करता है। हवान ने युहिल की भावनाओं और चिंताओं को शांत करने की कोशिश की। वह लगातार कहता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बेहतर महसूस करोगे, लेकिन युहिल डर रहा था क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था। हवान ने कहा, युहिल, तुम्हारी त्वचा बहुत मुलायम है, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें प्यार करता रहना चाहता हूँ, इसलिए डरो मत। इस बीच युहिल ने कहा, अगर अल्फा और ओमेगा यह प्यार की चीज करते हैं तो वे गर्भवती हो सकते हैं, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन हवान नहीं रुकना चाहता था और इसी तरह उन्होंने पूरी रात एक दूसरे से प्यार किया। युहिल ने हवान से पूछा कि क्या वह उसका पहला प्यार है या उसने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन हवान ने कभी इसका जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय उसने बस युहिल के शरीर और मन को शांत करना जारी रखा।